कोविड-19 की वैक्सीन सभी देशवासियों के लिए जरूरी है। अभी फिलहाल 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसीलिए सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से ये फायदा है कि आपको कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत मिल जाती है, शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाता है, जिससे आपका शरीर हानिकारक जीवाणु और रोगाणु से लड़ने में सक्षम हो जाता है। अधिकांशतः देखने में आया है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग ही कोरोना वायरस की चपेट में सबसे अधिक आते हैं। वहीं कोविड-19 वैक्सीन लेने से शरीर की रोग प्रतिरक्षक प्रणाली बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही इससे बीमारी के संक्रमण का खतरा भी कम होता है। कोविड-19 की वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन को वायरस के खिलाफ मानव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया जाता है। वैक्सीन लगाने के बाद इम्यून सिस्टम वायरस के हमले से सचेत हो जाता है और उसके बढ़ने से पहले ही मौजूदा प्रतिरक्षा तंत्र उसे खत्म कर हमारी सुरक्षा करता है। वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है, ऐसा इसलिए कि शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत होने में कुछ हफ्तों का समय लग जाता है। मान ले कि आपने पहली वैक्सीन लगवा ली और आप ये सोचकर लापरवाह हो गए कि मुझे वैक्सीन लग गई है, मुझे कुछ नहीं होगा। इस दरमियान आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसने वैक्सीन की डोज नहीं ली है, तो आपके इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए जब तक आप दूसरी डोज नहीं लग जाती, आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए वैक्सीन को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए दूसरी डोज लेना बहुत आवश्यक है। कोविड-19 वैक्सीन तभी पूरी तरह प्रभावित होगा जब इसकी दोनों डोज की प्रक्रिया आपने पूरी कर ली हो। ये सलाह दी जाती है कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर ली जानी चाहिए। कोविशील्ड के लिए ये अंतराल 4 से 8 सप्ताह करने की सलाह दी गई है। हालांकि 6 से 8 सप्ताह के अंतराल से सुरक्षा बढ़ जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे डोज का दिन चुन सकते हैं। प्रायः वैक्सीन की पहली डोज के बाद 28वें दिन इसकी दूसरी डोज लेना निर्धारित किया गया है। वहीं कोविशील्ड में ये अंतर अधिक हो सकता है। दूसरी डोज लेने के बाद ही वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी होगी। वैक्सीन लगवाने के बाद ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। विशेषज्ञों और डॉक्टर्स के अनुसार पहली खुराक के बाद संक्रमण होने के 2 हालात बन सकते हैं। पहली खुराक लेने के बाद अगर 21 दिनों के अंदर संक्रमण हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया और व्यक्ति संक्रमित हो गया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संक्रमण से ठीक होने के 28 से 56 दिनों के बीच दूसरी डोज लेनी चाहिए। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक स्वस्थ होने के बाद व्यक्ति 60 से 180 दिनों के बीच वैक्सीन की दूसरी खुराक ले सकते हैं। वहीं दूसरी स्थिति में अगर पहली खुराक लेने के 21 दिनों के बाद संक्रमण हुआ, तो इस हालात में ये बूस्टर डोज का काम करेगा। ऐसे में लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं होते और व्यक्ति आसान से स्वस्थ हो जाता है। ऐसे लोगों को 6 महीने के बाद ही वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है।